जी आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त अपर और एग्जीजेंसी के इलाका सैफलदारा में खड़ा हूं, जहां पर 8 साल बाद पहली बार मेंबर कौमी असेंबली डॉक्टर गाजी गुलाब जमाल आया है और यहां पर खुद तरक्याती कामों का जायजा ले रहे हैं। यहां पर उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों का इफ्तिताह भी किया और अभी मैं उनसे पूछता हूं कि आप इन कामों से मुतमैन है जो और एग्जीजेंसी में जारी है, क्योंकि इससे पहले भी और एग्जीजेंसी में ऐसे काम हुए हैं जो कागजों में है लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं है। कई स्कीमों में काम जो है ठीक नहीं हुआ, जिसकी वजह से पैसे भी जाया हो जाते थे और वो स्कीम नामुकम्मल हो रह जाता था या खराब होकर खत्म हो जाता था। इसी वजह से मैं इस दफा जितने अपने फंड की स्कीमें हैं और IDP की स्कीमें हैं उन सब पर मैं खुद चक्कर लगा रहा हूं। जिस तरह आपने देखा कि मेंबर कौमी असेंबली डॉक्टर गाजी गुलाब जमाल साहब ने कहा कि 8 साल बाद पहले यहां पे काम बंद थे, मैं 8 साल बाद यहां पे आई हूं और खुद चेक कर रहा हूं कि काम हो रहे हैं कि नहीं। इसी तरह हमारे साथ यहां पर जो है ना और एग्जीजेंसी इस इलाके का एक मलक भी मौजूद है, उसे हम पूछते हैं कि आप इन कामों से मुतमैन है, कि आप लोगों ने खुद इन कामों के लिए चेक एंड बैलेंस का प्रोग्राम किया है? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल हमने कुछ स्कीमें देखी हैं स्टार्ट में, वो तो बहुत अच्छी हो रही हैं और नेक्स्ट जितने भी ये बोर्ड के मुताबिक आवाम से भी हमने पूछा है, इनको भी तसल्ली है। थैंक यू। जिस तरह यहाँ पे आपने देखा कि 8 साल बाद दहशतगर्दी के 8 साल बाद यहाँ पर MNA साहब भी खड़े हैं और मुल्ला खान भी खड़े हैं, ये पहली दफा है कि TTP यानी तालिबान के दौर के बाद लोगों ने यहाँ पे कुल शमला पहना हुआ आजादाना तौर पर घूम रहे हैं और यहाँ पे पहली दफा MNA साहब आए हैं जो खुद कामों को चेक कर रहे हैं और यहाँ के जो आवाम है वो भी इस चीज से मुतमैन है, उनमें भी शऊर पैदा हो गया है कि हम भी खुद चेक करेंगे ताकि पहले की तरह जो कागजों में काम हुए थे और ग्राउंड पर नहीं थे वो सही तरीके से हो। जी